जून 1984 के कलू घर के संबंध में सब तो पहले तो ताड़ा सारे वीरां दा धन्नवाद आ तुसीं साडी बेनती सुन प्रवान करके पहुंचे जी आयां नूं। हर साल की तरह जून 1984 का जिहड़ा कल्लू घर वापरिया गुरद्वारा गुरशब्द प्रकाश शहीदां जिहदे उसारी का टक पंज तख्तां दे जहिदारां तों लवाया गया सी ते सब तो पहला 84 दे शहीदां दी याद च अस्थान बनाया गया सी। उत्थे जून 1984 दे शहीदां नूं समर्पित हुंदिया कल्लू घारा दिवस जिहड़ा वड्डी पद्धर ते हर साल मनाया जांदा है। इस वारी भी श्री अखंड पाठ साहिब अज आरंभ हो गए ने, पिछले दिनों तों चल रहे ने, परसों नूं भोग पैणगे 6 जून नूं ते सारा दिन दीवान सजेगा, लंगरां दा प्रबंध चलेगा। मैं सरबत संगतां नूं तुहाडे माध्यम राहीं बेनती करदा हां कि इस वापरे हुए कौम दे नाल धक्केशाही जिहनूं असीं कल्लू घर दे रूप विच शहीद होए अपने वीरां बजुर्गां मातावां नूं याद करन वास्ते ये दिहाड़ा मनाउने हैं। ते सब संगतां नूं विशेष तौर पर बेनती है भी नगर संग्रामां नेड़े बटाला जिला गुरदासपुर उस शहीदी अस्थान ते सारी संगत जिहड़ी है ओह मुहमा के पहुँचो ता कि शहीदां नूं श्रद्धा दे फुल भेट किए जा सकन। दूजी मेरी बेनती ये है 14 जून नूं बंदी छोड़ खालसा वहीर जिहड़ी है वह दूसरी कढ़न वास्ते दमदमी टकसाल वालों सरबत संगतां दे सहयोग नाल दुबारा फिर पहली आप 13 मई नूं गुरद्वारा श्री मुक्तसर साहब तो कढ़ी सी दमदमा साहब वास्ते, हुण गुरद्वारा जामनी साहब वजीदपुर फिरोजपुर तो 10 बजे ये वहीर बंदी छोड़ वहीर आरंभ करके जिस दी समाप्ति जिहड़ी रात नूं सिख कौम दे महान योधे संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालिआं दे जन्म अस्थान जत्ती नगर पिंड रोडियां विखे पहुँचेगी। अगले दिन संग्रांद दा शुभ दिहाड़ा है, भारी अमृत संचार होवेगा। जिहड़ी जिहड़ी संगत 13 मई दी वहीर विच शामिल होई सी मैं उन्हां सारे वीरां दा बहुत धन्नवाद करदा हां। महापुरख जिहड़े आए सी संप्रदावां दे जिहड़े नौजवान सारे शामिल होए सी उन्हां लई मैं बहुत धन्नवादी हां। ते 14 जून नूं जिहड़ी वहीर दुबारा फिर निकल रही है मैं वो सब सिख जगत नूं सारियां जथेबंदियां दे आगू साहिबानां नूं नौजवान वीरां नूं भैणां नूं सब नूं बेनती करदा भी समय सिर गुरद्वारा जामनी साहब वजीदपुर फिरोजपुर पहुँचो। ये जिहड़ी वहीर है इह विच सारे आपां शामिल होइए। 32 साल तो क्योंकि हुण तां 39वां कल्लू घारा दिवस मना रहे हैं ते कई शरीर उदों तो लैके साडे बच्चे वीर जिहड़े बुढ़े हो गए ने साडे वांग जेलां दीआं काल कोठरीआं विच जिन्हां दी रिहाई वास्ते असीं जोर लाउंदे सां, लेकिन कोई सरकार भी चाहे वह साडे पंथ दी सरकार होवे चाहे कांग्रेस दी होवे चाहे होण वाली मौजूदा सरकार होवे किसी ने भी उन्हां दी रिहाई वास्ते ना कदे यतन कीता है ना कोई गां संभावना ऐसी बन रही है। उल्टा गुरमत प्रचार करन वाले भाई अमृतपाल सिंह ने जो उपराला कीता सी नौजवानों नूं नशियां तों बचाउण वास्ते तां साडे वीरां ने सरकार ने इस नूं रोकण वास्ते डिब्रूगढ़ आसाम दीआं जेलां 'च भेज दित्ता। असीं पहलियां दीआं रिहाइयां मंगदे सां सगो नवें होर भर्ती करके ते किड्डी दूर जेल विच आसाम भेजणा, मैं समझदा कि ये सिखां नाल सरासर ज़ियादती है जिहड़ी नहीं सी होणी चाहीदी।
पर सिखां दा भविख खतरे च है। कोई सरकार भी बन जाए किसे तो भी सिखां नूं कोई आस उम्मीद दी किरण करे जागी नहीं, तो घट गिणतियां नाल बहुत वड्डा धक्का हो रहा है। असी सरकार नूं कई बार कई बेनतियां कीतियां, हुण वी तुहाडे माध्यम राहीं बेनती करदे हैं कि ये सिखां नाल जातियां बंद करो। खंड पट्टा ने भोग पेंदे तुर करते कुछ नहीं, मंजी साहब तो करते ही नहीं, करन ही नहीं दिंदे। कितने करिए दसो कितने करिए। देखो सारे तुसीं विद्वान हो, बेनती करा कौम का मसला एह जहा है कि जेडे नेता नूता लोग सिर जोड़ने की है, साडे संत भी उन्होंने खरीदे खरूदे ने, इस करके सिर जोड़ में कोई तैयार नहीं। उन्होंने मगर पैर से पैर वो रखी जाते हैं, जो तो श्रोमणी कमेटी के प्रधान ने पैर रखा, दूजे भी जथेबंदी ने उत्थे डिगना खुल गया। तो कुछ है साडे वर्गे रौला पाते भी कोई रब का वास्ता जे को माड़ा मोटा धर्म की गल को रहन दौ। खालसा भीर च पिछली बार सिंह साहब सद्या नहीं सदोगे नहीं, अं हूँ नहीं उन्होंने सदना, क्योंकि फिर कोई राघव चड्डा वेखो देन बड़ी कौम लो, उसके परिवार की बड़ी घाट कमाई है। तो इस करके क्योंकि पहले उन्हें मुख्यमंत्री साहब ने बयान दिता जो उन्होंने आख्या कि 24 घंटे च बंदे छड्डो, तो उन्हें आख्या ये ग्रंथी है, ग्रंथी पुणा कर रहे हैं, नहीं पता किस तरह काम कम चलता। इस करके वह सत्कार तो पदवियां ने, तो जथेदार जी का उसे की पता होर कि असी मंगनी आ जाए उन्हें जथेदार उधर जाना पै जाए। इस करके क्योंकि ये तो काम चलते रहते हैं, मंगनी देख रहे होनी है, दोबारा थोड़ी होनी है। इस करके अही नहीं आखना जी असी वेखो सिंह संगत ने सानू भरवां साथ दिता, भावें गर्मी के दिन सी, संगत हुण भी सानू साथ देवेगी। सारे लोग इको जे नहीं होंगे, साथ देंदी है संगत, बड़ियां संपर्दावां भी आउंदियां ने। सारे लोग तो नहीं गरके होंगे, इको जे नहीं होंगे, पर जेडे थोड़ी जी जिन्हां च रब रही मैं कहना जे वो जरूर उसे पहुंचे, जरूर पहुंचेंगे, वर्ती पद्धत पहुंचेंगे, पिछली बार भी पहुंचे ने। धन्यवाद। ठीक है।